खबर बांदा से है, जहां डीएम ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नई पहल की है। डीएम ने मैरिज हॉल में बुलाकर 11 दंपत्ति जोड़ों से मतदान करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान कराने की अपील की है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। जनपद में 75% से ज्यादा मतदान कराने के लिए उनके द्वारा कई तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनके द्वारा जनपद में कई जगहों पर रैली और कार्यक्रम कराकर और साथ ही दस्तक दरवाजे तक शीर्षक के तहत घर घर जाकर जन सामान्य को जागरूक कर 23 फरवरी को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ वोट जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं हम लोग, वोट जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं। अच्छा, तो क्या आप यहाँ क्या महसूस किया आपने? वोट डालने जरूरी चीज़ है और हम लोग अपनी शादी छोड़ के यहाँ पे इस अभियान में शामिल हुए हैं, इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि 23 तारीख को वोट जरूर दें, अपने हर काम छोड़ के वोट जरूर दें, जिससे जनपद के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। इसी क्रम में आज डीएम ने जागरूकता अभियान फैलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते हुए शहर के 9 मैरिज हॉल में जाकर दंपत्ति जोड़ों को आशीर्वाद दिया और जोड़ों से खुद मतदान करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान कराने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल 75% से ज्यादा मतदान कराने के लिए रात दिन एक करने में लगे हैं। उनके द्वारा कई माध्यमों से लोगों को जागरूक कराने का अभियान चलाया जा रहा है, कभी गाजे बाजे के साथ, कभी माइक बजाकर, तो कभी रैली निकालकर, तो कभी घर घर जाकर कुंडी खटखटाकर दस्तक दरवाजे तक शीर्षक के तहत जागरूक करते हुए 23 फरवरी 2022 को मतदान करने की अपील की जा रही है। जागरूकता अभियान है जिसमें हम लोग अपनी शादी को छोड़ के आए हैं, सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अपना सारा काम छोड़ के वोट डालने जरूर जाएं। ये एक अच्छा मुहिम है जिला प्रशासन का, इससे वोटों का स्तर बढ़ेगा, जिससे जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ सके और लोकतंत्र मजबूत हो। बांदा डीएम 75% प्लस हो मतदान, बांदा बने देश की शान, सब बाधाएं करके पार, मतदान करेंगे अब की बार, वोट करेंगे दारू मुर्गा पर चोट करेंगे, नोट भेंट पर चोट करेंगे, 100% मतदान करेंगे। लोकतंत्र की शान है मम्मी पापा बूथ पर जाना, अपना वोट डाल के आना, दादा दादी बूथ पर जाना, अपना वोट डाल के आना, सारे काम छोड़ दो, 23 फरवरी को वोट दो, स्लोगन के माध्यम से ज्यादा मतदान करने की अपील करने में डीएम लगे हुए हैं। आज डीएम शहर के 9 मैरिज हॉल पहुंचे, जहां दंपत्ति जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें मतदान करने और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले हमको वोट देना है, वोट देने के बाद ही हमको अगला काम करना है। एक्चुअली जो कलेक्टर साहब ने जो है हम लोगों को आमंत्रण दिया, हम लोग गए, उन्होंने चीज़ों को मोटिवेट किया, उन्होंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना, वोटिंग के लिए भी जागरूक किया। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर ऑल एंड सारे शहरों में ऐसा होना चाहिए, ये एक न्यू मोटिवेशन फैक्टर है जो सभी को एप्लीकेबल करना चाहिए। बांदा के निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने कहा, इन दिनों शादी बारातों का सीजन चल रहा है, तो हम इन 11 दंपत्ति जोड़ों के माध्यम से अपने जनपद वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि 23 फरवरी को जो हमारे जनपद में मतदान होना है, पिछली बार विधानसभा 2017 में 59.65% मतदान हुआ था, इस बार हम 75% से ज्यादा मतदान कराने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के तहत आज हमने शहर में अपने दांपत्य जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों से मिलकर उनको आशीर्वाद दिया है कि उनका जीवन सुखमय और आनंदमय हो। हमारे साथ जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आशीर्वाद देने के साथ ही हमने 9 दंपत्ति जोड़ों से ये गुजारिश की और अपील की है कि ये खुद भी मतदान करें और अपने माता पिता से, अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से भी मतदान कराएंगे और स्वीप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे और 23 फरवरी को 75% से ज्यादा मतदान कराने के लिए अहम भूमिका भी निभाएंगे। कहा कि अचानक ख्याल आया कि आज के दिन हमारे जनपद में बहुत सी शादियां हो रही हैं। हमारे ख्याल में आया कि जो लोग शादी के बंधन में बंध कर जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके जीवन में आगे बहुत सारे चुनाव आएंगे, तो क्यों ना इसी विधानसभा चुनाव से शुरुआत की जाए और इनसे अपील कराई जाए और जो हमारे पहली बार वोट बन रहे हैं 18 से 19 साल वाले, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इन 9 दंपतियों के माध्यम से 23 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की अपील कराई है और इन लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। ये आज हमारे बांदा शहर में काफ़ी बड़ी संख्या में शादियां हो रही हैं
तो हम इन नव दंपतियों के माध्यम से अपने जनपद वासियों से अपील करना चाहते हैं कि 23 फरवरी को जो हमारे जनपद में वोटिंग होनी है, पिछली विधानसभा 2017 में 59.65% वोटिंग हुई थी, तो इस बार हम लोगों ने 75% से अधिक वोटिंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वीप कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग इस शहर में अपने जीवन की डोर बांधने वाले, अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों से, उनके माध्यम से हम लोग उनको आशीर्वाद दिए हैं। पूरे जिले प्रशासन के अधिकारी, सारे अधिकारी थे, हम लोग उनको आशीर्वाद दिए हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, समृद्धमय हो। उसके साथ साथ हम लोगों ने इन नव दंपतियों से एक गुजारिश की है, इनसे अपील कराई है कि ये स्वयं वोट करेंगे, अपने माता पिता से, अपने परिजनों से, अपने परिवार के लोगों से, आस पड़ोस से, सभी से वोटिंग कराएंगे और एक ब्रांड अम्बेसडर के रूप में, स्वीप के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में काम करेंगे और 23 फरवरी को 75% से अधिक वोटिंग कराने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। अचानक ऐसा